वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नमक पारे। तो उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम मैदा, उसके लिए एक कटोरी सूजी, अजवाइन, नमक और ये हींग और ये कसूरी मेथी, और लिया है मैंने 1 गिलास पानी, इसे हम डो लगाएंगे अपना। और लिया है हमने ऑयल। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें सूजी, डालेंगे हींग, अजवाइन 1.5 चम्मच डालेंगे हम इसमें, लेंगे हम स्वाद अनुसार, लेंगे हम कसूरी मेथी, हम डालेंगे इसमें ऑयल 4 चम्मच, तो सभी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। इसमें ऑयल कम लग रहा था, देखिए फ्रेंड इस तरीके से लड्डू नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को कर लिया है मैंने मिक्स। तो हम डालेंगे इसमें पानी, पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे इसमें। एक आटा को थोड़ा टाइट ही लगाएंगे, जैसे हमारी पूड़ी बनाते हैं उस तरीके से, तो हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए टाइट टाइट। तो फ्रेंड हमारा डो लगकर तैयार है। तो इसमें लग गया था करीब 1 गिलास पानी, और इसमें पड़ी हुई है सूजी, तो मैं इसे रेस्ट करने के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो हमारा डो लगाए हुए हमारा आधा घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखना कितना बढ़िया हमारा डो लगकर तैयार हुआ है। तो हमारी सूजी भी अच्छी तरीके से फूल गई है इसमें। अब हम बना लेंगे इसकी लोइयां। तो मैंने एक लोई बना ली है इस तरीके से, तो हम इसको बढ़िया तरीके से बना लेंगे। हमारी लोई बनकर तैयार है, तो हम इसको बेल लेंगे। तो मैंने इसको बेल कर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। रोटी बनाते हैं उसको थोड़ा सा मोटा रखना है, तो हमको पतले पतले कटिंग कर लेंगे इनकी। तो मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, एक लाइन हम इस तरीके से खींचेंगे और दूसरी यहाँ से, बस मुझे इतना ही बनाना है। उठा लेंगे आराम से, इसमें ऑयल फड़ा हुआ है तो सब अपने आप हट जाएंगे, चप एक भी नहीं चपकेगी इसमें, एक दूसरे में आराम से हट जाती हैं, तो टेंशन ना लें फ्रेंड। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी हमारी, हम इनको सेक लेंगे। तो यहाँ मैं रख दी थी कढ़ाई गर्म करने के लिए, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें सेक लेंगे अपनी मटरियाँ, नमक पारी मतलब, आराम से। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे फ्रेंड। जब तक हमारी मिट्टी सिक रही है फ्रेंड, तब तक हम और बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। तो सारी मटरी हम बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लें दोस्तों, बहुत यम्मी बनती हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें दोस्त। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। तो मैं कुछ इस शेप की बनाऊंगी ढक्कन से, इस तरीके से दोस्तों, ऐसे। तो हमारा पहला बैच सीखकर तैयार है फ्रेंड, देखिए कितनी बढ़िया सीखी है हमारी। तो हम इनको निकाल लेंगे अलग से प्लेट में।
सारी मटर इस तरीके से बना लेंगे फ्रेंड। तो ये बनाई हमने, कितनी बढ़िया लग रही है ना काजू की शेप की फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बनाएं, बहुत बढ़िया यम्मी लगती हैं। तो हम इनको भी सेक लेंगे। तो हमारा दूसरा बैच भी सेक का तैयार है फ्रेंड। हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे, काजू वाली सेप। तो दूसरी सेप बनाएंगे हम इस तरीके से, चाकू से कटिंग करते हुए। तो इनको हम बनाएंगे इस तरीके से, ये वाला पार्ट इस तरीके से खींचते हुए ऐसे ऐसे। इस तरीके से लग रही है ना बढ़िया। तो देखना हमने सारे बनाकर रोल अपने तैयार कर लिए, कितने बढ़िया बने हैं यम्मी से। तो हमको अब सेक लेंगे। तो फ्रेंड हमारी अम्मी सा नाश्ता बनकर तैयार है। देखिए कितने बढ़िया बनाए हमने, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने ये ढक्कन से बनाए हैं, आप देखिए थे किस तरीके से बनाए हैं। तो ये भी और इस तरीके से आप बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो नमक पारे हमारे तैयार हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो बताएँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें कोई दोस्त। थैंक यू।